ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 6.2। हम लोग 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 6.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो आया था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और उसके बाद 6.1 आया था, और आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हम लोग को एड करना है, ठीक है। एड कैसे करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर में क्या दिया है, 24xy, 19xy एंड -4xy। तीन नंबर दिया है, फर्स्ट क्या दिया है 24xy, सेकंड दिया है 19xy, थर्ड दिया है -4xy। इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। एक हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड, और एक पढ़ेंगे कॉलम मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड पहले देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब ऐसे सीधा सीधा, और कॉलम मेथड मतलब लंबा। तो सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा स्ट्रेट, है ना। तो पहले इसको ऐड करेंगे 24xy, प्लस करना है तो प्लस का साइन लगा दिए, फिर 19xy, फिर प्लस करना है, उसके बाद -4xy दिया है तो -4xy, दो साइन एक जगह नहीं रह सकता इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ 24xy प्लस 19xy प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व किए 4xy। अब हम लोग देखे तीनों ही एक्सप्रेशन सेम है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तीनों में xy है, मतलब हम लोग तीनों को ही एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो पहले प्लस करेंगे 24 और 19 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 4 = 13, 13 का 3 कैरी गया, और 2, 3 + 1 = 4, 24 + 19 = 43 होगा, और xy का xy क्या बचा है यहाँ, -4xy। अब 43 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, ये इसको कैरी दिया था तो क्या बचा है यहाँ 3, तो 39xy का xy। तो इसका आंसर आएगा 39xy, क्योंकि तीनों में ही xy था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। एक मेथड और देख लेते हैं जिसका नाम है कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, इसको ऐड कर रहा है तो इसको, अभी कॉलम मेथड सीधा सीधा आएगा, ये स्ट्रेट इधर गया और ये लंबा में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 24xy, उसके बाद 19xy, उसके बाद -4xy। हम लोग को प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है, प्लस। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करें इन दोनों को तो क्या आया, इन दोनों को प्लस किया तो 43xy। अब 43xy को इससे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 39xy। कोई सा भी मेथड से आप लोग, इस मेथड या इस मेथड, जो मेथड आप लोगों को इजी लगे आप लोग उससे बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर बी नंबर में क्या दिया है, 5y⁻³, 26y⁻³, 10y⁻³, -3y⁻³। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड में सीधा सीधा इसको लिख लेंगे 5y⁻³। हम लोग को ऐड करना है तो बीच में ऐड प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 26y⁻³, फिर प्लस ये वाला 10y⁻³, फिर प्लस -3y⁻³, माइनस लगा था इसीलिए। पहले तो प्लस, देखो सब में y⁻³, यानी कि सबका एक्सप्रेशन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ऐड कर देंगे जितना, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5y⁻³ प्लस 26y⁻³ प्लस 10y⁻³ प्लस माइनस -3y⁻³। तो इधर तो सब में प्लस है, इसमें सिर्फ माइनस है, तो पहले प्लस कर लेते हैं, है ना। तो 5 + 6 क्या होगा, 11, यानी कि 31 आएगा, 26 + 5 = 31y⁻³। पहले इन दोनों को ऐड कर लिए, अब इधर नहीं किए, इसको लिख देते हैं 10y⁻³ -3y⁻³। अब इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि दोनों में ही प्लस है, माइनस को लास्ट में करेंगे, प्लस करेंगे 31 + 10 = 41y⁻³ आया। अब माइनस कर देंगे 3y⁻³ से, तो आप लोग इस 41 को 3 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 41 को 3 से माइनस करेंगे तो आएगा आप लोगों का 38y⁻³, ठीक है। इसी को हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐसे कर सकते हैं। चलो हम लोग सिर्फ इसको एक कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता, लाइन से लिख के बस ऐड कर देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से बना लेना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर सी है, सी में क्या दिया है यहाँ पास, -10ab²c - ab²c 15ab²c ab²c, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से पहले प्लस करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड बोला है हम लोग को, ऐड प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है।
तो ऐड करेंगे यहाँ पास हम लोग इसको, देखो यहाँ लिख देंगे माइनस टेन ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस करेंगे, यहाँ दिया है माइनस ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस, फिर दिया है फिफ्टीन ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस ए बी स्क्वायर सी, कुछ नहीं किया है बस इसको इसको लिख दी हूँ, बीच में बस प्लस का साइन लगा दिए है। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करना होता है, टेन ए बी स्क्वायर है ना, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस का प्लस फिफ्टीन ए बी स्क्वायर सी, फिर प्लस ए बी स्क्वायर सी, सब में आप लोग देखे ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, सब में एक्सप्रेशन लाइक टर्म है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं जिसके सामने में लाइक टर्म वाला साइन हो वही वाला को सॉल्व कर देते हैं। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में ही माइनस है, यहाँ टेन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वन है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे, टेन प्लस वन इलेवन होगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है, टेन है, उसके सामने माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा। और ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर दोनों में ही सेम है, इसलिए एक बार लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो फिफ्टीन प्लस वन क्या होगा, सिक्सटीन। ग्रेटर नंबर फिफ्टीन है कि वन है, फिफ्टीन है, उसमें प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सेम है, इसलिए यहाँ ए बी स्क्वायर सी लिख दिए। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 16 में से 11 माइनस होगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। देखो सबसे पहले क्या किया, लिख लिए हम लोग, देखे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले माइनस माइनस किए, तो टेन ए बी स्क्वायर में से 11 ए वन ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे, 10 में से 1 1 11 होगा, माइनस इलेवन स्क्वायर आ गया, इलेवन ए बी स्क्वायर आ गया, इसको भी प्लस किए तो 15 प्लस 1 16 हुआ। अब 16 में से माइनस इलेवन को प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 5 ए बी स्क्वायर सी आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सब में x स्क्वायर है, तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। अगर जिसमें जो ज्यादा रहे, मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ प्लस ज्यादा है, माइनस सिर्फ एक ही बार है, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, तो प्लस दो दो बार है, तो पहले प्लस को सॉल्व कर लेंगे फिर माइनस को। अगर मान लो यहाँ माइनस रहता तो फिर माइनस, देखो सबसे ज्यादा आप लोग ये ध्यान देना, जिसमें जो चीज ज्यादा आया हो, यहाँ प्लस दो बार आया है तो पहले प्लस सॉल्व करेंगे। मान लो माइनस दो बार आया रहता तो पहले माइनस को सॉल्व कर देते। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हम लोग, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 4 प्लस 3 7 एक्स स्क्वायर लिख दिए, क्या बचा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आया। अब 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस 10 बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा, इसीलिए ये हो गया आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर ई बना सकते हैं हम लोग। ई नंबर में क्या दिया है, 8 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम लोग भी ऐड करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखो क्वांटिटी माइनस का ज्यादा है, प्लस तो एक ही बार है, माइनस दो बार है, जैसे यहाँ प्लस का क्वांटिटी ज्यादा था, प्लस प्लस इसलिए पहले प्लस किए थे। अब यहाँ हम लोग देखे कि माइनस का क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 8 एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस में इसको ऐसी छोड़ दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए 11 प्लस 8 क्या होगा, 19 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर सेम है इसलिए लिख दिए। और यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 11 इज ग्रेटर देन माइनस 8, इसीलिए। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11, और माइनस 19 बड़ा है, उसके सामने माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखो 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई। अब यहाँ हम लोग देखे कि यहाँ x स्क्वायर वाई है, यहाँ x स्क्वायर वाई है, पर यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई वाला ये वाला है, तो इसको पहले यहाँ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई ये वाला, इसके जैसे सेम है ना, लाइक टर्म है एक्सप्रेशन, तो इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस कर रहे हैं इसलिए प्लस में ले आएंगे 5x स्क्वायर वाई। अब यहाँ एक्स वाई स्क्वायर सेम है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। चलो फिर भी से मैं लिख देती हूँ, प्लस 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 कर रहे हैं क्योंकि,
बस कुछ नहीं किए हैं, जो लाइट टर्न वाला था उसको अरेंज किया है। देखो एक्स स्क्वायर वाई वाला, एक्स स्क्वायर वाई वाला को एक तरफ लिख लिए हैं, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर वाले को एक तरफ लिख लिए हैं, क्योंकि प्लस करना है इसलिए बीच में प्लस। अब फिर से वही, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर। पहले अब देखो लाइक टर्म को ही सॉल्व करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, और ये तो अलग है, इसको बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइव प्लस फोर नाइन एक्स स्क्वायर वाई, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्योंकि ये अलग है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो फाइव प्लस थ्री क्या होगा, एट एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, बिकॉज माइनस फाइव इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। अब इन दोनों को हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर दोनों अलग अलग है, अगर सेम होता, मान लो ये एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई होता, तो और माइनस कर सकते थे जैसे हम लोग इसको कर देते थे, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ सिंगल एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये अलग अलग है, तो बस इतना ही करके छोड़ देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस तभी होता है जब एक्सप्रेशन सेम हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसमें भी ऐड करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग अभी ऊपर वाला को हम लोग कौन से मेथड से पढ़े, हॉरिजॉन्टल मेथड से पढ़े, हॉरिजॉन्टल मेथड से पढ़े। ये वाला लंबा लंबा वाला को हम लोग कॉलम मेथड से पढ़ेंगे, ये ज्यादा इजी रहेगा, कॉलम मेथड में जल्दी बन जाएगा। कौन सा मेथड है ये, कॉलम मेथड, कॉलम मेथड में जल्दी बन जाएगा क्योंकि अभी इसको लंबा लंबा हम लोग लिखे थे, अभी हम लोग इसको सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, फिर सेकंड नंबर क्या है, ये वाला, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो जो एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर के नीचे वाले में ही, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे वाले में ही, एक्स वाई को एक्स वाई के नीचे में ही, तो यहां लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस फोर एक्स वाई। देखो सेम सेम आया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, अब इसको भी लिख देंगे, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे, अब इसके साइड में कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इसको हम लोग को क्या करना है, एड करना है, अब एड कर देंगे, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस वन फाइव, एक्स स्क्वायर को एक बार लिख देंगे, सेम सेम है। अब प्लस करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, वन वन वन, तो क्या आएगा थ्री वाई स्क्वायर। अब यहाँ पास तो कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए फोर में से टू को माइनस करेंगे तो टू एक्स वाई आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज माइनस फोर इज ग्रेटर देन टू, इसलिए माइनस का। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा मेथड से बनाए हम लोग, कॉलम मेथड से, कॉलम मेथड में लाइन लाइन से लिखेंगे। और इसी को अगर, चलो मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल से ही बता देती हूँ, बाद वाले को मैं हॉरिजॉन्टल से नहीं बताऊंगी, ठीक है, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से एक बार बता ही दे रही हूँ आप लोगों को। देखो पहले वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ऐसे करेंगे फिर प्लस, अब इसको लिख लेंगे फिर से यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, फिर प्लस, अब ये वाला को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों नंबर को लिख लिया। ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड, ये कॉलम मेथड है, कॉलम मेथड से जल्दी बन जाता है ना। अब देखो इसको हम लोग पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये पता है आप लोगों को कि प्लस और माइनस तभी हो सकता है जब एक्सप्रेशन सेम हो, एक्सप्रेशन मतलब एक्स वाई जेड ये है ना, तो पहले हम लोग अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो इसको पहले अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसको और इसको अरेंज कर लिया। अब एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर को अरेंज करेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और यहाँ, तो इसको भी लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर। अब क्या बचा है, एक्स वाई और एक्स वाई बचा है, उसको लिख लेंगे प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर वाले को ही सॉल्व कर सकते हैं, वाई को वाई स्क्वायर वाले से ही इसको ऐसे, क्योंकि प्लस और माइनस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं है तो वन, यहाँ भी कुछ नहीं है तो वन, तो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस वन फाइव एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ भी वही चीज किए थे, एक्स स्क्वायर को एक तरफ किए थे तो फाइव स्क्वायर आया था, यहाँ भी वही आया है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ वन वन वन, तो थ्री वाई स्क्वायर आएगा ना, वन प्लस टू प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा टू एक्स वाई। यहाँ क्या आंसर आया, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। यहाँ भी क्या आंसर आया, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो इससे थोड़ा आप लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और इसमें कुछ अरेंज नहीं करना है, सिर्फ यहीं पास रखना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लंबा वाला जब क्वेश्चन आएगा तो कॉलम मेथड यूज करना, और छोटा क्वेश्चन रहेगा तो हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या दिया है, देखो बी नंबर में क्या दिया है,
3a प्लस 4b, 10a माइनस 9b, 16a प्लस 2b, ठीक है। अब ये देखो तीन नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम लोग कौन से मेथड से बना रहे हैं, मैं बार बार लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कॉलम मेथड कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे बनता है। अभी मैं बना रही हूँ कॉलम मेथड से, इसको लिख लेंगे 3a प्लस 4b, कॉलम मेथड में लाइन से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड में सीधा सीधा। तो अभी यहाँ पास 10a प्लस 4b है तो a वाले एक्सप्रेशन को a वाले के नीचे नहीं, यहाँ 10a है तो इसी के नीचे आएगा 10a, यहाँ 9b है तो 9b के नीचे 4b के नीचे जाएगा क्योंकि b भी एक तरफ हो जाएगा। अब ये 16 है तो ये a के नीचे ही, ऐसे नहीं कि यहाँ लिख दिए। फिर प्लस 2b है तो 2b, अब इसको ऐड कर देंगे 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 16 क्या हो जाएगा 29, और यहाँ a का a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पास हमारा इसको ऐसे करेंगे, देखो 13, ये 10 प्लस 3 13 हुआ था, 13 प्लस 16 किए थे तो हमारा क्या आया 29, ए का ए आया। अब मैं आप लोगों को बताई हूँ इसको ऐसे सॉल्व करना, इस प्लस वाले को प्लस से सॉल्व करना, फिर उसका माइनस करना, या फिर जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो, यहाँ क्वांटिटी ऑफ प्लस ज्यादा है क्योंकि यहाँ प्लस दो बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार, तो पहले यहाँ पास हम लोग 4b प्लस 2b कर लेंगे। तो क्या अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बन जाएगा, अभी नया नया इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ 4b और 2b को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों में प्लस है, तो क्या आएगा 6b, अब क्या बचा है माइनस 9b, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस होगा 3b, ग्रेटर नंबर में माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 3b, ये हो जाएगा हमारा आंसर 29a माइनस 3b, कुछ नहीं किया है। देखो प्लस का क्वांटिटी ज्यादा था, दो बार प्लस था इसलिए 4 प्लस 2 6b कर लिए, उसको माइनस 9b बचा था उससे माइनस कर दिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 3b, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद कौन सा है माइनस 11x स्क्वायर वाई प्लस 10x वाई स्क्वायर, फिर थर्ड में दिया है माइनस 10x स्क्वायर वाई माइनस 11x वाई स्क्वायर। अब इसको भी कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड से, कॉलम मेथड से। तो पहले लिख लेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट को लिख लिया x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसको लिख लेंगे माइनस 11x स्क्वायर वाई प्लस 10x वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन देखो सेम सेम है। अब इसको लिखेंगे माइनस 10x स्क्वायर वाई, 10x स्क्वायर वाई, देखो तीनों में ही एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई सेम लिख रही हूँ ना मैं। अब यहाँ माइनस 11x वाई स्क्वायर, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब इसको प्लस करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो क्वांटिटी माइनस का ज्यादा है, जैसे यहाँ प्लस का ज्यादा था तो पहले इसको सॉल्व किए थे फिर माइनस किए थे, अभी यहाँ माइनस का ज्यादा है तो पहले माइनस 11 और माइनस 10 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 21, ग्रेटर नंबर माइनस से वाला है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या बचा है 1x स्क्वायर बचा हुआ है ना, ये इन दोनों को प्लस किए तो माइनस 21x स्क्वायर वाई आया, क्या बचा हुआ था 1x स्क्वायर वाई, तो यहाँ लिख देंगे 1x स्क्वायर वाई, प्लस में है कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करेंगे तो 20x स्क्वायर वाई, यहाँ लिख दिए 20x स्क्वायर वाई, ग्रेटर नंबर में माइनस का साइन लगा था इसलिए यहाँ भी माइनस। अब इसको हम लोग करेंगे, तो अभी देखो यहाँ पहले माइनस दो बार था इसलिए माइनस किया, अभी यहाँ प्लस दो बार है तो इसको प्लस करेंगे पहले, तो 10 प्लस 1 11x स्क्वायर वाई हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब ये माइनस 11x वाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, 11 में से 11 माइनस होगा तो जीरो आएगा, तो इधर को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इधर तो जीरो आ रहा है आंसर, तो हमारा आंसर क्या आया माइनस 20x स्क्वायर वाई, क्योंकि ये तो जीरो हो जा रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर डी बना सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर डी देखो 14x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 6, इसमें सिर्फ दो ही टर्म दिया है, एक दिया है 14x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म, कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, कॉलम मेथड, इसको प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला है ऐड करने, तो 14x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब इधर ऐड करेंगे 5x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पास प्लस 6 दिया है, x वाला तो टर्म ही नहीं है, यहाँ x दिया है क्या, नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ प्लस 6, तो नंबर को नंबर के नीचे, तो प्लस 6, x वाला टर्म नहीं दिया है ना, तो यहाँ जीरो लगा देंगे, जीरो x लिख देते हैं कुछ भी, क्योंकि x वाला यहाँ टर्म ही नहीं था, सिर्फ 6 दिया था, तो 5x स्क्वायर वाले को तो x स्क्वायर के नीचे लिखे, नंबर वाले को नंबर के नीचे लिखे, लेकिन ये वाला x के नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग मान लिए कि जीरो है ये वाला, ठीक है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर जीरो x भी लिख दोगे क्योंकि जीरो तो जीरो होता है। अब इसको ऐड किए 14 प्लस 5 19x स्क्वायर, अब जीरो से इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, 2x का 2x ही आएगा, और 5 प्लस 6 क्या आएगा 11, ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई बना लेते हैं, क्या है ई नंबर में देखो,
क्वेश्चन नंबर ई को देख लेते हैं। देखो यहां दिया है 4abc प्लस 6a स्क्वायर प्लस 7b, फिर दिया है 10a स्क्वायर प्लस 14b, फिर दिया है माइनस 2abc, फिर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, इसमें तीन टर्म दिया है, एक तो ये है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, ये थर्ड। अब इसको कॉलम मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 4abc प्लस 6a स्क्वायर प्लस 7b। अब इसके नीचे जहां ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर के नीचे, तो यहां हम लोग देखें 10a स्क्वायर है तो उसको इसके नीचे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है सामने में तो प्लस है, तो प्लस 10a स्क्वायर। अब क्या बचा है, प्लस 14b, तो 14b को b वाले के नीचे, तो प्लस 14b। यहां पास के लिए कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो। अब इसको यहां दिया है माइनस 2abc, abc वाला को abc के नीचे, तो यहां लिख देंगे माइनस, यहां नहीं चढ़ाना, नीचे थर्ड वाले को थर्ड लाइन में ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में। ठीक है, तो माइनस 2abc, उसके बाद दिया है माइनस 3a स्क्वायर, इसके लिए खाली है, तो यहां ब्लैंक छोड़ दो, कुछ नहीं करो, यहां जीरो लगा देते हैं। चलो कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। अब प्लस करेंगे, 4 में से 2 को प्लस करेंगे, लेकिन यहां माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 2 माइनस होगा, तो 2 एबीसी एबीसी सेम है, एक बार लिख दिए। अब देखो क्वांटिटी प्लस का ज्यादा है तो पहले प्लस करेंगे, दो बार है प्लस, तो 10 प्लस 6 16 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 ए स्क्वायर, उसमें माइनस 3 ए स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 16 में से 3 माइनस होगा तो 13 ए स्क्वायर आएगा, यहां लिख देंगे प्लस 13 ए स्क्वायर, क्योंकि 16 बड़ा है उसके सामने प्लस है, इसलिए प्लस 13 ए स्क्वायर आया। अब इसको प्लस करेंगे, प्लस 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 होता है, इसलिए 7 प्लस 14 क्या होगा, 21 बी, और जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां ये ध्यान देना कि एक्सप्रेशन को उसी एक्सप्रेशन के नीचे लिखना, जैसे ये खाली है तो जीरो लगा देना। ठीक है, अब ई के बाद एफ नंबर देख लेते हैं। यहां देखो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5, फिर दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, फिर क्या दिया है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 10, इसको भी ऐड करेंगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5, फिर थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे, उसके बाद 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर को y स्क्वायर के नीचे, 10 है नंबर को नंबर के नीचे, फिर यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, फिर नंबर को नंबर खींचे, 5 भी नंबर है 10 भी नंबर है माइनस 10 भी नंबर है। अब ऐड करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ माइनस ज्यादा है यहाँ पास, प्लस एक ही बार है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, तो 2 देखो यहाँ पास साइड में मैं रफ में कर रही हूँ, रफ देखो यहाँ माइनस 1x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 प्लस 1 3x स्क्वायर, माइनस में 2 बड़ा है तो माइनस है उसके सामने, तो यहाँ भी माइनस, क्या बचा है यहाँ 2x स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे क्योंकि हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या है, प्लस करना, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 3 में से 2 1 आया, माइनस 3 बड़ा है इसलिए माइनस आया, तो आंसर क्या आया माइनस 1x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस ज्यादा यहाँ पास है तो प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 3, और 7 प्लस में आया था और 4 तो छोटा है तो प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ प्लस प्लस 15 हो गया, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, देखो 5 प्लस 10 15 होगा और यहाँ पास माइनस 10, 15 बड़ा है उसके सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर एफ कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जी। जी में क्या दिया है 6x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, फिर दिया है 4x टू द पावर 3 प्लस 5x माइनस 10, फिर दिया है x स्क्वायर माइनस 6। इसको ऐड करेंगे, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, पहले अरेंज कर लेते हैं कॉलम मेथड से, पहले इसको लिख लेंगे क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर को लिख लिया कॉलम मेथड से, यहाँ लिख लेना कॉलम मेथड, यहाँ लिख देंगे 6x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, इस फर्स्ट टर्म को लिख ली। अब देखो x टू द पावर 3 वाले को x टू द पावर 3 के नीचे, तो यहाँ लिख देंगे 4x टू द पावर 3। अब यहाँ प्लस 5x है तो x स्क्वायर के नीचे तो नहीं लिखेंगे, x वाले को x के नीचे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5x, फिर नंबर को नंबर के नीचे, तो यहाँ इसके यहाँ पास तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं जीरो।
अब इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ तो एक्स टू दी पावर थ्री था, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे लिखेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सामने में कुछ नहीं है तो प्लस है। अब यहाँ नंबर को नंबर के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पास के लिए तो कुछ भी नहीं है, खाली हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस सिक्स, यहाँ लगा देंगे जीरो, कुछ भी नहीं रहेगा तो जीरो लगा देना है। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखी हो, माइनस सिक्स को नंबर के नीचे, खाली था तो जीरो लगा दिए। अब ऐड करेंगे सिक्स प्लस फोर टेन एक्स टू दी पावर थ्री, इसको देखो यहाँ जीरो से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ कुछ नहीं हो तो वन, थ्री में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, ग्रेटर नंबर में माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस एक्स टू दी पावर टू, जीरो से कोई मतलब नहीं है, सिक्स प्लस फाइव इलेवन एक्स हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये वाला को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए टेन प्लस फोर फोर्टीन, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस टेन ग्रेटर था। अब माइनस सिक्स को ऐड करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस होता है सिक्स प्लस फोर ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ, और माइनस बड़ा है ना फोर्टीन इसलिए यहाँ पास माइनस, तो माइनस ट्वेंटी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग एक बार ऐड वाला को अच्छे से देख लेना, एक भी स्किप मत करना, बार बार उसको दो तीन बार कम से कम देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग, देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर वन टू बताई हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ ऐड करने सीखे हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम मेथड से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करने सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एक बार ऐड करने सीख जाना, ताकि हम लोग को जो आप लोग का सब्ट्रैक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन से थोड़ा हार्ड रहता है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ उसको माइनस करना है, बस आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक्सप्रेशन को उसी एक्सप्रेशन के नीचे रखना है, अगर कुछ नहीं है तो वहां स्पेस छोड़ दो या फिर जीरो लगा दो, है ना, तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मैं इसको डाल दूंगी, आप लोग रोज दिन क्या करना, क्लास सेवेंथ का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करना, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें लिखे रहता है जैसे अपडेटेड टुडे, अपडेटेड सेवन डे अगो, ऐसे करके लिखे रहता है, तो आप लोग समझ जाओगे कि आज अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, है ना। तो प्लेलिस्ट को आप लोग क्लास सेवन का प्लेलिस्ट को रोज चेक करना, या फिर ऑल इन वन जो मेरा चैनल है उसमें जाना, चैनल में जाने के बाद इधर जो व्यू देता है ना उसमें प्लेलिस्ट दिए रहता है, प्लेलिस्ट उसमें जाना, और एक बार ही सब्सक्राइब करना हर वीडियो में, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे हैं, क्वेश्चन नंबर वन और टू जिसमें हम लोग सिर्फ ऐड करना देखे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री फोर जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन का हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड।